हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब पढ़ेगा इंडिया। फ्रेंड्स, परसेंटेज का जो 3 लेक्चर है वो मैंने पढ़ा दिया है, और उसके बाद ऐसे में कुछ और भी क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चंस हैं वो करवाना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बार रेशियो प्रोपोर्शन में चैप्टर अच्छे से समझा दूँ, बता दूँ, और उसके बाद जो SSC मेंस CGL मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व करने का तरीका मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन से बताना चाहती हूँ। इस कारण से मैंने उसका एक जो लेक्चर है वो फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर दिया है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस चैप्टर को कह सकते हो कि ये बिल्कुल बैकबोन है आपके मैथ्स का, स्पेशली कॉम्पिटेटिव मैथ्स का। क्यों? क्योंकि हम कम टाइम में अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है इजी मेथड। कॉन्सेप्चुअल मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रिकी मैथ्स के नहीं, क्योंकि ट्रिकी मैथ्स तो हम लोग कभी कभी यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करते हो कर सकते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्रू। इवन आप एडवांस मैथ्स को भी आगे मैं जब बताऊंगी तो आप देखोगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्रू मैं उन मैथ्स को सॉल्व करवा रही हूँ। इसलिए आप प्लीज़ इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे लेक्चर को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे से देखना। ये लेक्चर भी थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ जिस पर सारा का सारा मैथ्स टिका हुआ है। इनफैक्ट जो मैं तरीका बताऊंगी वो पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि 70-80% जो मेरे बताए हुए मैथ्स होंगे, तरीका होंगे, वो इस पर डिपेंडेंट होंगे। चलिए फिर देखते हैं स्टार्टिंग से इसका बेसिक नॉलेज, है ना। अब है कि रेशियो, दो नंबर के बीच का रेशियो क्या है। सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि दो नंबर्स का जो मिनिमम भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो आप उसका रेशियो कह सकते हो। बिल्कुल समझाने के लिए सिंपल भाषा का यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पर आप मान लो कह दिया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड ग्रेटेस्ट रेशियो अमंग देम, है ना। अभी मैं आपको नहीं बताने जा रही कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, नहीं। पहले आप ये देखो कि रेशियो होते कितने टाइप्स के हैं। रेशियो बहुत बहुत ही तरीके के होते हैं। डुप्लीकेट रेशियो यानी स्क्वायर के फॉर्म में, ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी क्यूब के फॉर्म में, इस तरीके से और भी होते हैं। अब सब डुप्लीकेट का कह ले तो रूट के, अंडर रूट के फॉर्म में, और सब ट्रिप्लेट रेशियो कह ले तो क्यूबिक रूट के फॉर्म में, है ना। इस तरीके से भी हम रेशियो को ले सकते हैं। अब है कि क्वेश्चन अगला कह रहा है फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 14:9। तो इसका सब डुप्लीकेट का मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 16:9 यानी 4:3। अब कहता कि डुप्लीकेट रेशियो तो 16 का स्क्वायर 256 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाता। ट्रिपलेट्स कहता, ओके, तो ट्रिपलेट 16 का क्यू, 9 का क्यू, और सब ट्रिपलेट्स कहता तो क्यूबिक रूट 16 और क्यूबिक रूट 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो फ्रेंड्स आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे दिए होते हैं रेशियो, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ऐसे करके, और सबका कंपाउंड है यानी इकट्ठा रेशियो निकालने को कहता है। जैसे यहाँ पर है कि कंपाउंड रेशियो ऑफ A1:B1, B1:A2:B2, A3:B3 और A4:B4 इज, तो A1:A2:A3:A4:B1:B2:B3:B4। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ अभी के टाइम में ये मत करना कि हिंदी में बताइए या इंग्लिश में, क्योंकि आपने रेशियो में भी देखा होगा कि मैंने दोनों सब्जेक्ट का यूज किया था और अभी भी मैं यूज करूँगी, लेकिन समझाने के लिए मैंने बस अभी इंग्लिश का मैं यूज कर रही हूँ।
लिखा हुआ इंग्लिश में पर मैं बोल हिंदी में रही हूँ, आगे भी यही काम होगा। और आगे क्वेश्चंस क्वेश्चन जब आएंगे तब मैं बेशक हिंदी में भी क्वेश्चंस को लाऊंगी। अब है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 6:7, 4:5, 4:5, 5:9। ओके, तो हमने क्या बताया, ऊपर वाले को, ये फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे इसमें किया, और नीचे वाले को यानी कि हर को हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ओवरऑल आएगा वो आंसर हो जाएगा। ओके, अब है a:b = x1:y1, b:c = x2:y2, c:d = x3 y3, और d:e = x4 y4। तो a:b:c:d:e का रेशियो निकालना है। ऐसे लगातार 10 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो इसका रेशियो आखिर होगा क्या, तो हम देखते हैं कि रेशियो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे x1 x2 x2 x y2 x3 y3 और x4 y4 में लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पर y3 लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे कि देखो, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, लास्ट में मैं आपको इवन लिख करके भी बताऊंगी कि क्या है ये, अगर आप ना समझ सको। मैं अभी बहुत ही स्लो तरीके से बता रही हूँ। इसका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टार्टिंग का 4 है ना, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो फर्स्ट वाले रेशियो का राइट साइड वाला, और बाद बाकी का तीनों लेफ्ट वाला लेंगे। ओके, यानी कि क्या आ गया, y1 x2 x3 x4, कोई डाउट इज टू। अब क्या करेंगे हम कि अब देखिए, आप क्या करेंगे हम इसका सेकंड वाला और क्या करेंगे हम, सेकंड वाला लेकर के फर्स्ट का लास्ट वाला और बाद बाकी का स्टार्टिंग वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या है, अब तीसरा का निकालने का रहा है, तो इसका राइट वाला बाद बाकी ऊपर वाले का राइट वाला और नीचे वाले का लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, इसका लास्ट वाला और सबका लास्ट वाला एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप समझे, मैं इसको फिर से समझाना चाहूँगी आपको। देखो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है इसमें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ध्यान से देखो आप। एक मिनट, क्या करेंगे हम इसमें, फर्स्ट का फर्स्ट लेंगे और बाद बाकी का क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे। ओके, फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे सेकंड में फर्स्ट का लास्ट लेंगे और तीनों का फर्स्ट लेंगे, यानी फर्स्ट बचते जा रहा ना। अब क्या करेंगे, सेकंड का निकालना है, सेकंड बचा ना, तो सेकंड का लास्ट लेंगे, फर्स्ट का भी लास्ट फिर लेंगे, यानी ऊपर वाले का हम लास्ट लेते चले जाएंगे, नीचे वाले का पहला लेते चले जाएंगे। तो y2 ले लिए, उसके बाद ऊपर वाले का लास्ट y1 हो गया, फिर ये दोनों का लास्ट लेंगे। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, थर्ड का लास्ट लेंगे और इसके पहले का भी लास्ट लेंगे और इसके बाद में जो बचा उसको फर्स्ट लेंगे। अब क्या करेंगे हम, थर्ड का लास्ट लेंगे और इसके पहले का भी क्या लेंगे, सारा का सारा लास्ट लेंगे। यही आ जाएगा a:b:c:d का रेशियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो आपको थियरी बताया उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमने बताया अभी आपको कि फर्स्ट का लास्ट लेंगे, इट मींस व्हाट, a:b 2:3 है ना, फिर bc क्या कहा है, ये है इसका, ये है और इसका ये है,
अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया, फर्स्ट का फर्स्ट लेंगे, लिया, और सभी का फर्स्ट फर्स्ट ले लेंगे, ले लिया, फिर फर्स्ट का सेकंड लेंगे, लिया, फिर इसका, इसके पहले तो सेकंड और किसी का है नहीं, तो सबका फर्स्ट ले लेंगे, ले लिया, अब इसका सेकंड लेंगे, ले लिया, फाइव लेंगे, फिर इसका सेकंड लास्ट लेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले का क्या लेते हैं, लास्ट लेते हैं, ले लिया, और बाद बाकी फर्स्ट वाला ले लिए, ओके। अब उसका हो गया, अब इसका लास्ट लेंगे, इसके पहले वाले का भी लास्ट लेंगे, ले लिया, 9, 5, 3 ले लिया, और इसके बाद वाले का फर्स्ट लेंगे, अब क्या लेंगे, सभी का लास्ट लेंगे, ओके। अब जो कट रहा है कॉमन है काट देंगे, और फाइनल ओवरऑल निकल जाएगा। ऐसा अगर 10 तक भी दिया रहे ना, तो 10 तक का भी फ्रैक्शन हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, सॉरी रेशियो। अगला है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है, जैसे डुप्लेट ट्रिप्लेट तो आपने देख लिया, इनवर्स रेशियो, इनवर्स का मतलब कोई नंबर दिया है तो उसको 1/2 उतना कर देना, यही तो इनवर्स होता है। तो अगर ए इज टू बी का इनवर्स रेशियो निकालना है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/a इज टू 1/b। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, a नीचे रह जाएगा, यानी b इज टू a हो जाएगा। यानी फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3, यानी 2:3 का इनवर्स रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, 3:3:2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कह दे कि फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:4 या ऐसे 5 तक कह दे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, ओके, एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, इसे ऐसे इनवर्स रेशियो मतलब 1/2 उतना ना, तो 1/2, 1/3, 1/4 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, जो मल्टीप्लाई करके आएगा, कट भी तो होगा, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही उसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4 एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 500, फाइंड द टू नंबर, ओके। रेशियो कह रहा है 2 और 3, और दोनों के बीच का डिफरेंस का कह रहा है 500। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं, एक्स भी मान लो 3x हो गया एक, और एक 4x, तो दोनों के बीच का रेशियो, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x बराबर 500 दिया हुआ है, तो फाइंड दीज टू नंबर्स, तो दोनों नंबर नहीं निकल जाएगा, 3 को निकाल देंगे, 3 × 500 यानी 1500, और एक 2000, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, इफ रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज 3:5:9, सी इज 800 देन बी, तो सी ऐसे कितना है, 9 यूनिट है, सॉरी, देन फाइंड, हाँ सॉरी, सी इज 800 मोर देन बी। अच्छा, आप ये बताओ कि रेशियो में सी बी से कितना ज़्यादा है, एक 5x है, एक 9x है, यानी कि 4x ज़्यादा है, 4 यूनिट ज़्यादा है, 4 यूनिट बराबर 800 है, तो 1 यूनिट बराबर 200 हो जाएगा। अब 200 हो जाएगा तो x निकालने कर रहा है, x का मतलब 3 यानी कि 3x निकल जाएगा, 3x यानी 600 निकल जाएगा। अब है डिवाइड 6000 एमंग ए बी सी इन रेशियो 3:5:7। अच्छा, आप ये बताओ, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 यूनिट बराबर कितना है, 6000, यही तो टोटल है, और टोटल रेशियो इतना है, तो एक यूनिट बराबर कितना निकल जाएगा, 400 निकल जाएगा ना, तो 400 निकल जाएगा, तो 3 = 1200, 4 = 1600 हो जाएगा, और 7 = 2800, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड नंबर, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, ओके, दो नंबर का अनुपात 2:3 है, इफ 500 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, अगर दोनों नंबर में से 500 घटा देते हैं तो उनके बीच का रेशियो 3:5 हो जाता है, तो क्या करना है कि दोनों नंबर निकालना है। अच्छा फ्रेंड्स, आप ये बताओ क्या कह रहा है, इसे तो हम ऐसे भी बना सकते थे, x मान करके बना लेते, क्योंकि माना नंबर 2x है, ऐसे करते ना, इसे बना सकते थे,
2x माइनस 500 बटा 3x माइनस 500 बराबर 3/5, ऐसे तो कर सकते थे, ये रेशियो आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन निकाल के x का वैल्यू निकाल लेते, नंबर निकल जाता। पर हमें क्या करना है, हम रेशियो प्रोपोर्शन देख रहे हैं तो चलेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के तरीके से। अच्छा ये बताओ ये नंबर कितना है, पहले तो 2:3 है, बाद में 3:5 हो जाता है ना, और इनके बीच का अंतर। अच्छा अब देखो ये दोनों के बीच का अंतर 1 आ रहा है, ये दोनों के बीच का अंतर 2 आ रहा है, तो क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और 1 से नीचे, तो डिफरेंस इक्वल आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 4:6 हो जाएगा और नीचे करेंगे तो 3:5 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए आप कि अब दोनों के बीच का डिफरेंस 1 रह गया इधर भी और इधर भी, है ना, अब दोनों तरफ डिफरेंस इक्वल रह गया यानी 1 यूनिट, और यही तो 5,500 कह रहा है कि 1 यूनिट बराबर 500 है, तो नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 यूनिट जब 500 है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 2000, और 6 यूनिट हो जाएगा 3000। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन देख करके भी बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सम मिल्क कंटेंस मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, ओके 3:2 के अनुपात में क्या है, दूध और पानी है। 10 लीटर एडेड इन मिल्क, देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर फाइनल मिल्क बिकम 1:1। अच्छा आपको ये, आप ये बताओ, परसेंटेज भी वैसे बताया था पर परसेंटेज तो अभी आप छोड़ दो, आप ये बताओ हम क्या कर रहे हैं इसमें, पानी मिला रहे ना, दूध की क्वांटिटी तो सेम रह रही है ना। अच्छा पहले अनुपात 3:2 दिया हुआ है, बाद में 1:1 दिया है, लेकिन दूध तो हमारा बराबर है ना, दूध तो हमने कम नहीं किया, पानी ज़्यादा किया, तो हम ऐसा करेंगे यहाँ मिल्क है ना वाटर, तो हम यहाँ भी दूध 3 कर लेंगे, इसको 3 करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, यानी कि इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करते दोनों 3 और 3 हो जाएगा, यानी दूध बराबर हो गया। अच्छा ये पानी में देखो, पानी में फ़र्क कितना पड़ा, पहले 2 था अब 3 हो गया, यानी 1 यूनिट का फ़र्क पड़ा है ना, और यही 1 यूनिट जो है कि 10 लीटर मिलाया जा रहा है यानी 10। तो आप बताओ कि क्या कर रहा है, फाइंड द वेट ऑफ मिल्क, मिल्क का निकालने का रहा ना, तो मिल्क कितना है 3 है, 3 यूनिट यानी 30 लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके सॉरी इसमें सिर्फ दूध 30 लीटर हो गया ना, लेकिन ये तो नहीं कह रहा कि सिर्फ दूध निकालो, इसमें तो टोटल का कह रहा है ना, दूध पानी मिक्स है, तो दूध और पानी मिक्स है तो कितने लीटर हो जाएंगे टोटल, 5 हो जाएंगे ना, 5, तो 1 यूनिट बराबर 10 है तो 5 यूनिट बराबर 50 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सम मिल्क कंटेंस 30% वाटर, ओके 30% वाटर यानी मिल्क हो जाएगा 7, तो वाटर कितना हो जाएगा 3। इफ़ 10 लीटर वाटर एडेड इन द मिल्क, फिर से क्या कह रहा है, पानी मिलाया गया है, ओके तो फाइनल मिल्क बिकम्स 40%, देन परसेंट वाटर ऑफ इन फाइनल मिल्क बिकम 40%। तो आप ये बताओ वाटर अगर 40 हो गया यानी कि 4 हो गया, तो इसका दूध कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है अभी हमने क्या बताया कि दोनों का जो मिल्क है, मिल्क वाला पोर्शन हम बराबर कर लेंगे ना, क्योंकि मिल्क तो बराबर ही है, बराबर करने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 7 से, तो 42:18 और 42:28 हो गया। अच्छा आप ये बताओ ये जो 10 यूनिट बढ़ रहा है, 18 और 28 में बढ़ रहा है ना, तो 10 यूनिट जो बढ़ रहा है, यही 10 यूनिट तो है कि 10 लीटर पानी मिलाया है ना, यही 10 यूनिट है। तो आप ये बताओ कि फाइंड इनिशियल वेट ऑफ मिल्क, स्टार्टिंग का वेट निकालने कह रहा है मिल्क का, तो स्टार्टिंग का मिल्क का वेट कितना था, आप ही सोचो और बताओ स्टार्टिंग का वेट कितना था। आया नहीं समझ आया, स्टार्टिंग का वेट था 42 और प्लस 18, ये है ना 42 प्लस 18 यानी कि 60 यूनिट, ये 60 यूनिट है ना, तो 10 यूनिट बराबर 10 लीटर, तो 60 यूनिट बराबर 60 लीटर हो जाएगा, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वाटरमेलन
अब वाटर मेलन कंटेंस 90% ऑफ वाटर, ऐसे भी तरबूजे में पानी ही पानी होता है, यानी कि 90% जब वाटर है तो मेलन कितना होगा, मटेरियल कितना होगा, 9 वो है तो 1 हो जाएगा मटेरियल। इफ़ 10 kg वाटर इवोपोरेट्स, अगर 10 kg पानी वाष्पित हो जाता है, देन न्यू वाटर मेलन इज फॉर्म्ड हैविंग 80% वाटर, तो 8 पानी हो जाएगा और 2 मटेरियल हो जाएगा। तो इसे 4:2 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। फाइंड इनिशियल वेट ऑफ वाटर मेलन, ओके इनिशियल वेट निकालने का रहा है। अच्छा आप ये बताओ, पहले हो गया 9:1 और बाद में 4:1, ठीक है, पानी ही उड़ा है, मटेरियल तो ऐसे भी सेम रह गया और यहाँ भी सेम है मटेरियल, तो पानी का फ़र्क कितना है, 9-4 यानी 5 यूनिट है। अच्छा यही 5 यूनिट पानी तो है जो कह रहा है कि 10 kg इवोपोरेट हुआ है, इतना यानी 10 kg, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब कह रहा है कि इनिशियल जो वेट था वो निकाले, तो आप बताओ कि इनिशियल वेट इसका कितना था, इनिशियल वेट इसका 10 था, तो जब एक यूनिट बराबर 20 हो गया तो 10 यूनिट बराबर 20 हो गया, है ना। अच्छा इसे बनाने का एक और तरीका है, मटेरियल बराबर क्या होगा, मटेरियल बराबर हो जाएगा टोटल वेट, टोटल वेट और गुना परसेंट मटेरियल। कोई दिक्कत है नहीं ना, अब मटेरियल तो कांस्टेंट है, मटेरियल को तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, परसेंट मटेरियल में फ़र्क आ रहा है, परसेंट मटेरियल कितना हो गया, पहले एक था और अब 2 हो गया, है ना, तो उसका वेट का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 2:1, तो वही हो गया 20 kg। पर आप ये वाला मेथड यूज करो, ये ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम सम मिल्क हैविंग वाटर, वाटर इन द रेशियो 3:2, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2, 10 liter मिल्क इज टेकन आउट। आप देखो 3 और 2 है। अच्छा आप ये बताओ, 10 liter दूध उसमें से निकाल लिया गया, 10 liter दूध निकाल लिया गया तो भी रेशियो जो रहेगा पानी और इसका दूध का, वो तो 3:2 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:1, ठीक है, और 10 लीटर निकाल लिया गया और 10 लीटर यानी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर ऐड कर दिया गया तो उनके बीच का रेशियो 1:1 आ गया। अच्छा आप ये बताओ, अभी इनिशियल को हम छोड़ देंगे, आप ये बताओ मिल्क तो बराबर है ना, तो मिल्क को हम क्या करेंगे, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ कर देंगे, ठीक है, 3 यहाँ करेंगे तो 3 यानी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो पानी भी 3 हो जाएगा। ये एक यूनिट जो है, 2 पहले था अभी 3 हो गया, एक यूनिट जो है इतना बराबर ही तो है कि 10 लीटर निकाला और 10 लीटर मिलाया, 10 लीटर पानी, एक यूनिट पानी बराबर 10 लीटर, ओके। तो अब आगे क्या कह रहा है कि फाइंड इनिशियल वेट, इनिशियल वेट कितना था, इनिशियल वेट आप बताएं, अगर मिडिल वेट की बात की जाए तो 3:2 है ना, इसके लिए 3:2 है यानी कि 5, एक यूनिट बराबर 10 तो 5 यूनिट बराबर 50 हो जाएगा। अब ये 50 कब था, 10 kg निकालने के बाद, 10 kg दूध निकालने के बाद ना। अच्छा नहीं समझ पा रहे, ये देखो यहाँ से हमने तो निकाल दिया वजन 5 यूनिट का, अभी जो सबसे शुरू में था उसमें से हम 10 kg निकाल लिए थे ना पानी, सॉरी दूध, तो 10 kg निकाले थे, ऐसे 50 आ रहा है तो 50 और प्लस 10 यानी कि 60 हो जाएगा, यही 60 लीटर दूध स्टार्टिंग का हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें था कि जितना दूध निकाला उतना ही पानी डाला, अब है दिया हुआ क्वेश्चन, उसमें है कि दूध निकाला 10 लीटर और पानी डाला कितना, 15 लीटर, ओके, तब उनका रेशियो 1:1 है। आधा तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, आधा तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, 3 और 3 लेंगे ना, एक यूनिट बराबर 15 लीटर, क्योंकि 15 लीटर डाला ये हो जाएगा, तो ये मिडिल का 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट बराबर 75 लीटर हो जाएगा। अब बताओ सबसे स्टार्टिंग के बाद तो 10 लीटर निकाला गया था ना, तो 75 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। अभी तक कोई डाउट है नहीं,
होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दो कि कौन सा वाला टाइप बताया, कौन सा क्वेश्चन बताया जिसमें आपको डाउट हो गया, जिससे कि मैं उसे दोबारा से उस किसी वीडियो में एक्सप्लेन करके बता सकूं। अगला क्वेश्चन है, इक्वल वेट ऑफ टू टाइप ऑफ मिल्क हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड 7:10 आर मिक्स्ड टुगेदर, ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिल्क। अच्छा आप ये बताओ, मान लेते हैं कि 10 लीटर हमारे पास दूध है, उसमें पानी और दूध का प्रतिशत अलग है, और 15 लीटर है उसमें दूध और पानी का प्रतिशत अलग है, पर यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ वजन इक्वल है, यानी दोनों 10 लीटर ही है लेकिन दोनों में दूध का और पानी का प्रतिशत अलग अलग है, तो कह रहा है कि फाइनल जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा पानी और दूध का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा, पहला है 3:2 और दूसरा है 7:3। अच्छा आप ये बताओ, टोटल इक्वल है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, यानी इसे भी 5 करना होगा, 10 करना होगा, तो इसे 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6:4 हो जाएगा और ये 7:3 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 और 7 13 और 4 और 3 7, यही हो जाएगा आंसर मिक्स करने पर, ओके। अच्छा फ्रेंड्स, अभी तो हमने बताया कि अगर बराबर वजन का हो रेशियो अलग अलग हो, अब है कि दोनों का रेशियो 3:2 है, ओके, 3:2 और 7:3 है, और दोनों को क्या किया गया, मिक्स किया गया दोनों को 2:1 रेशियो में, मतलब 2 भाग अगर पहले दूध का है तो इस दूध वाले दूसरे दूध का कितना हो जाएगा, 1 भाग हो जाएगा। सबसे पहले तो हम पहले जैसा ही करेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5, इन दोनों को जोड़ने पर 10, तो पहले तो दोनों का वजन बराबर करेंगे, वजन बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये दूना है ना, ओके, तब तो जो होता सो होता। अब हम क्या करेंगे, पहला का 2% और दूसरा का 1 है तो एक और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ओवरऑल पहला को 2 × 2 यानी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा और दूसरा को 1 ही रहेगा, तो पहले को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 × 3 = 12, 2 × 4 = 8 और ये 7 और 3 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करना है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 19:11 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 types of milk हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1 5:3 11:5 आर मिक्स टुगेदर इन द रेशियो 2:3:4। बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, और ये इस टाइप का मैं लास्ट क्वेश्चन अभी बताऊंगी, ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका वजन बराबर करते हैं। अच्छा, इसका वजन कितना है, 4 है, इसका वजन 5 + 3 = 8 हो गया और इसका वजन 16 हो गया, तो हम सबको 16 अगर कर देते हैं, यानी 16 करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 2 से और इसमें 1 से, ठीक है, सबको 16 कर दिए तो वजन कितना हो गया, बराबर हो गया। अब कह रहा है कि फाइनल रेशियो किस रेशियो में आते हैं, 2:3:4, तो जब सबका वजन बराबर है तो इसमें 2 से इसमें 4, 3 से इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 24:8 ये और ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों को, ये तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके 98:46 आएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा अब अगला, चलो अच्छा ही हुआ, मैं अभी बोल रही थी कि मैं अब अगला क्वेश्चन इस टाइप का नहीं बताने वाली, और खुद ब खुद अगला क्वेश्चन आ गया दूसरे टाइप का। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम देखते हैं, रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ 2:1, ओके, यानी कि जमीन और पानी का अनुपात धरती पर 2:1 है, एंड इन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में कितना है, 5:3 है, तो रेशियो निकालना है लैंड और वाटर का। अच्छा आप ये बताओ कि पूरे अर्थ, पूरा जो अर्थ है वो नॉर्थ और साउथ पोल से आधे आधे भागों में बटा हुआ है, यानी अर्थ बराबर तो 2 × नॉर्थ पोल हो जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सबसे पहले उनका
टोटल जो है वो बराबर करना है। तो ये 3 है, ये 8 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। अब आप अर्थ का बताओ, अर्थ नॉर्थ पोल का या साउथ पोल रहता है तो उसका दोगुना होता है, तो बराबर करने के बाद 2 और से मल्टीप्लाई कर दिए, और जब फाइनल आएगा 32:16 और 15:9, अब इसको क्या करो, साउथ पोल का निकालने का रहा है, तो नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल बराबर अर्थ ना, और समय तो ऐड करते थे क्योंकि मिक्स कर रहे हैं, पर इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक पोल दिया है, दूसरे पोल का निकालना है, तो इसमें से 32 में से 15 जाएगा 17 और 16 में से 9 जाएगा 7, यही हो जाएगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2, ओके, ए और बी के इनकम का रेशियो 3:2 है और उनका एक्सपेंडिचर है वो 5:3 है, तो क्या करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, इफ ईच ऑफ देम सेव्स 5000 देन फाइंड देयर इनकम, फाइंड द इनकम ऑफ ए। ऐसे सेंस में क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का रेशियो अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके बीच का एडिशन या डिफरेंस जो होता है वो हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। अच्छा ये बताओ आप, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। अच्छा डिफरेंस आप बोलोगे कि क्यों निकाला, टोटल अमाउंट माइनस एक्सपेंडिचर है ना, यानी खर्च हो रहा है, और सेविंग निकालना है, तो सेविंग के लिए क्या होता है, टोटल अमाउंट माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है, इसलिए डिफरेंस निकाल दिया। अच्छा इसका डिफरेंस 1 हो गया, इसका डिफरेंस 2 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस पहले तो बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए 6:4 और 5:3 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 1:1 आ जाएगा, मतलब कि 1:1 जो अनुपात है उतना बराबर 5000 है, क्योंकि 5000 वो सेव करता है, और ये तो सेविंग का निकला ना, एक्सपेंडिचर माइनस ये, यानी ये सेविंग का निकला है ना, ये इनकम का है, ये एक्सपेंडिचर का है, तो ये तो सेविंग का है, तो 1 यूनिट बराबर 5000, तो 6 यूनिट बराबर 30000 हो जाएगा, तो 4 यूनिट बराबर 20000 हो जाएगा, तो ए का इनकम ये निकल गया, ओके। रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड सी इज 2:3:4 और एक्सपेंडिचर दिया है और ए सेव करता है 25% ऑफ हिज इनकम, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सेविंग, ओके। अभी फिर से सेम ही करेंगे, जब क्या है, इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, सेविंग निकालना है, तो माइनस लेते हैं ना, डिफरेंस लेते हैं दोनों के बीच का, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनकम 2:3:4 है, एक्सपेंडिचर 3:4:5 है। अच्छा आप ये बताओ मुझे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर तो निकल जाता है सेविंग, लेकिन क्या 2 से 3 घटाएंगे क्या यहाँ पर, नहीं ना, तो इसलिए हमने क्या किया, डिफरेंस तो सेम है, ये देखो डिफरेंस 1:1 का है, सेम है, लेकिन फिर भी हमने ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4:6:8 हो जाएगा, नीचे 3:4:5 यानी 1:2:3 आ जाएगा। ये क्या का है, ये सेविंग का है। इफ़ इनकम 100 तो सेविंग कितना हो जाएगा, 25 है ना, कह रहा है जो ऊपर में 25% सेविंग करता है, ठीक है, तो इनका, हाँ सॉरी, तो आप ये बताओ कि 1 यूनिट बराबर 25। अच्छा फ्रेंड्स, आपने एज से रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत देखे होंगे, उसके बनाने के भी तरीका अलग अलग हुआ करता था, पर इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम एक बार रेशियो क्वेश्चन तरीके से बना सकते हैं। आपको मैं बता दूँ, चाहे कोई भी मैथ्स हो उसे आप रेशियो प्रोपोर्शन के तरीके से बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। यहाँ है, रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज 7:5 एंड ए इज 12 ईयर्स ओल्डर देन बी, देन फाइंड द एज ऑफ ए, यानी कि ए और बी का एज का जो रेशियो है वो है 7:5, ए जो है कि 12 साल बड़ा है बी से। अच्छा ये बताओ आप,
रेशियो में अगर देखा जाए तो 7 से 7 हो गया, बी 5 हो गया, यानी कि 2 यूनिट बड़ा है ये, है ना। 2 यूनिट 7 माइनस 5 यानी कि 2 यूनिट बड़ा है। 2 यूनिट बराबर 12 साल दिया है तो 1 यूनिट बराबर 6 साल हो जाएगा, ठीक है। अब ए का एज निकालना है, ए 7 है ना, तो 7 और गुणा 6 यानी 46, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 3:2, दियर टोटल एज इज 60, ठीक है। तो फाइंड ए, अब बताओ कि टोटल एज 3:2 में है, टोटल हो गया 5, प्लस करेंगे तो 5 यूनिट बराबर 60 हो जाता है, तो 3 यूनिट यानी ए का 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 5 बराबर 60 तो 1 बराबर 12, तो 12 + 36। अगला क्वेश्चन है, 5 years ago यानी 5 साल पहले रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी वाज 3:2, ठीक है। 5 साल पहले क्या था, 3:2 था, और सम ऑफ दियर प्रेजेंट एज इज 100 years, अभी का एज, पहले का नहीं, अभी का एज कितना है, 100 साल है, तो प्रेजेंट एज निकालना है। अच्छा आप ये बताओ, 5 साल पहले कितना था ए और बी का रेशियो, 5 साल पहले 3:5 था, है ना। अब कह रहा है कि प्रेजेंट एज 100 का जो एडिशन है वो 100 साल है, ओके। यहाँ देखो आप, प्रेजेंट एज 100, तो 5 साल पहले दोनों के एज का एडिशन कितना होगा, 5 साल पहले दोनों की उम्र का कितना होगा पूरा जोड़, तो 5 इसका अभी देख लो, आप बता लो मेरा 5 साल अभी का एज, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा। मेरे साथ मेरी बहन का एज 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा। अगर हम दोनों का एज 5 साल बाद हो जाता है 50 साल, तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 साल हम दोनों का बढ़ा ना, यानी 10 साल बढ़ा, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 90 साल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेशियो, 5 साल पहले रेशियो कितना है, 3:2 है, यानी 5 यूनिट बराबर 90 है, तो 1 यूनिट बराबर 18 हो जाएगा, तो 3 जिसका है ए का, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 18 × 54, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा ए का, तो 54 साल 5 साल पहले था, प्लस 5 यानी कि 59 साल, 59 ईयर्स। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 20% मोर देन हिज एज 8 years ago। प्रेजेंट एज कितना है, मान लो कि 8 साल पहले उसका एज 100 था, तो प्रेजेंट एज उसका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी रेशियो 6:5 का अनुपात हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। फ्रेंड्स क्वेश्चन का कैसे बनाना है, कैसे सॉल्यूशन निकालना है, ये आपको उसी में पता चल जाएगा, क्वेश्चन में 8 साल पहले कर रहा है, तो हम प्रेजेंट लिख देते हैं 100 इसलिए लिए क्योंकि रेशियो लेने में आसान रहेगा। तो आप बताओ कि 100 का 120% ज़्यादा है, यानी कि 120 हो जाएगा, तो प्रेजेंट 120 ले लेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, 20 से अगर कट करते हैं तो 6:5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ कि क्या है कि प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है, मोर देन है ना, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 6:5, यानी एक यूनिट का ही फर्क है ना, 1 यूनिट बराबर 8 साल है, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना है, ए का प्रेजेंट एज 6 है, तो 6 × 8 यानी 48 आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 years ago फादर्स एज वॉज 4 times ऑफ हिज सन्स एंड एट प्रेजेंट फादर्स एज इज 3 times ऑफ हिज सन। अच्छा अब ये बताओ, 5 साल पहले क्या था, फादर का एज 4 गुना था अपने बेटे का, 5 साल पहले ले लेते हैं, 5 years ago, यहाँ देखो 5 साल पहले 4:1 हो गया, और प्रेजेंट में कितना है, 3:1, है ना। अच्छा फ्रेंड अच्छा ऐसे मैटर में हम क्या करेंगे,
पहले तो देखेंगे कि दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों के एज का डिफरेंस जो है वो हम बराबर करेंगे। अभी यहाँ डिफरेंस तीन है, तीन का डिफरेंस यहाँ आ रहा है, यहाँ डिफरेंस दो का आ रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे पहले बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या कहते हैं, यहाँ के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर वाले को दो से नीचे वाले को तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 8:1, और नीचे करने पर आ जाएगा 8:2, और नीचे करने पर आ जाएगा कितना, 3:9, 9:3। दोनों में फर्क 6 यूनिट का आ गया, 6 यूनिट का आ गया ना फर्क। अच्छा अब हम देखते हैं, अब क्या कह रहा है कि आगे क्वेश्चन में इसका क्लू मिलेगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 साल पहले एज जो था, ठीक है, 5 साल पहले का और अभी का कह रहा है। अच्छा एक यूनिट जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ, ये एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ये कितने का आ रहा है, 5 साल का आ रहा है ना, क्योंकि 5 साल पहले और अभी की बात हो रही है। ये एक यूनिट जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 साल का है, तो ये 9 यूनिट अभी का निकालने का रहा है ना फादर का, 9 यूनिट 45 साल हो जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, फादर्स एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। ओके फादर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो सन का 1 हो जाएगा। अब है कि 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स फादर एज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। अच्छा आप देखो एज में फर्क भले ही जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो डिफरेंस होता है, मान लो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद दोनों का 5-5 साल बढ़ेगा, यानी डिफरेंस तो बराबर होगा ना। जब डिफरेंस बराबर होगा तब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, एज डिफरेंस जो है बराबर हम कर रहे थे। मान लो आज फादर की 4 साल है, बेटे की 1 साल है, तो 3 साल बाद क्या होगा, फादर की 7 साल होनी चाहिए और इसका 4 साल होना चाहिए, यानी डिफरेंस जो होता है वो बराबर होना चाहिए ना। तो वही डिफरेंस हम बराबर करते हैं जो हम लोग अभी मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, यानी कि यहाँ डिफरेंस 3 का है 4:1 में, यहाँ डिफरेंस 2 का है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर करने के लिए ऊपर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले को, और नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो रेशियो हो जाएगा 8:2 और 9:3, ये हो गया। अभी देखिए 6 यूनिट का फर्क आ गया, यहाँ 6 यूनिट का फर्क आ गया। अब कह रहा है कि सन की बात की जा रही है ना, कि 5 साल बाद किसका फर्क आ रहा है। अब आप देखो एक यूनिट, यहाँ भी एक यूनिट ही है 8 से 9, एक यूनिट बराबर 5 साल, क्योंकि 5 साल बाद की बात की जा रही है, एक यूनिट बराबर 5 साल, तो 8 यूनिट क्या निकालने, प्रेजेंट एज निकालने का रहा है ना, फादर का प्रेजेंट एज निकालने का रहा है, तो 8 है, तो 8 यूनिट बराबर 40। ओके अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, रेशियो बिटवीन एज ऑफ फादर एंड सन इज 5:1। ओके 5 और 1 है, एंड दैट ऑफ फादर एंड मदर इज 5:4। अच्छा फ्रेंड्स आप ये बताओ, ए इज टू बी 5:1 है, और ए इज टू सी, ए फादर हम ले लेते हैं, बी सन ले लेते हैं, सी मदर ले लेते हैं, तो 5:4 है, तो ए इज टू सी इज टू बी हम लिख सकते हैं 5:4:1 लिख सकते हैं ना, फादर मदर एंड बेटे का, है ना। ठीक है अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ मदर एंड सन, माँ और बेटे का 30 साल है, माँ और बेटे का यूनिट में कितना है, 3:30, तो फाइंड द एज ऑफ फादर, 3:30 यानी 1:10, तो फादर का 5 है ना, तो पिता का 50 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ए इज 20% मोर देन बी एंड बी इज 20% मोर देन सी, देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ
सी, अच्छा आपको याद होगा परसेंटेज में हमने सेम क्वेश्चन किया था, है ना? अभी हम इसको करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तरीके से। ए और बी का रेशियो क्या है? ए 20% अधिक है, यानी कि ए 120 तो बी 100 होगा, यानी इनके बीच का रेशियो 6:5 हो जाएगा। अभी बी अगर सॉरी सी अगर 100 है तो बी 125 हो जाएगा, यानी इनके बीच का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अगर बी भी दोनों सेम है तब तो बहुत ईजी हो गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी यानी कि 6:5:4 हो गया। अभी हमने पहले भी आपको बताया है, 5:5 तक का हमने बताया कि अनुपात कैसे निकालेंगे, ठीक है? अब है कि ए सी से कितना परसेंट ज़्यादा है। अच्छा आप ये बताओ कि यूनिट में ए कितना ज़्यादा है? यूनिट में ए तो 2 ज़्यादा है ना, और किस से ज़्यादा है? तो 4 से, तो 2/4, और परसेंटेज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना, यानी कि 50%। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिवाइड 20,000 अमंग ए एंड बी सच दैट ए गेट्स 1/3 ऑफ बी प्लस सी टुगेदर एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ ए एंड सी दैट इज ए प्लस सी टुगेदर। अच्छा क्या कह रहा है? टोटल 20,000 है, ओके टोटल 20,000 है। अब कह रहा है कि ए जो है वो बी प्लस सी का 1/3 पाता है और बी ए प्लस सी का 1/4 पाता है, ठीक है? तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर यहाँ से निकालें, ये फर्स्ट इक्वेशन निकालें, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3a = b + c। कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा आप ये बताओ a प्लस बी प्लस सी, तो a के जगह a रहने देते हैं, b प्लस सी के जगह 3a लिख दे अगर, तो a प्लस 3a यानी कि 4a, 4a इक्वल्स टू 20,000, तो a बराबर 5,000 निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरे इक्वेशन से चलते हैं, b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 4, इस वाले 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4b इक्वल्स टू a प्लस सी। कोई डाउट? अभी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर a और c के जगह हम 4b लिख दें और प्लस b यानी 5b इक्वल्स टू 20,000, b बराबर 4,000 निकल जाएगा। अगर a निकल गया 5,000, b निकल गया 4,000, तो c निकल जाएगा 20,000 माइनस 5,000 माइनस 4,000 यानी 20,000 माइनस 9,000, 11,000 निकल जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अभी यहाँ तक तो हमने रेशियो का क्वेश्चन देखा जो कि पूरा का पूरा इंग्लिश में था। अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन, प्रोपोर्शन का देखेंगे और उसके बाद हम सबका हिंदी में भी अलग अलग जगह से क्वेश्चंस ला करके इसको सॉल्व करेंगे। आपने देख लिया कि ये जो रेशियो का क्वेश्चन होता है इसमें आपने परसेंटेज का देख लिया, यानी हर जगह से देख लिया आपने क्वेश्चन, परसेंटेज का, एज का क्वेश्चन देख लिया, है ना? तो ऐसे और भी चैप्टर्स हैं जिसको आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन तरीके से बना सकते हो। अभी अभी तो सिर्फ रेशियो आपने देखा, प्रोपोर्शन अगर हम देखेंगे और फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंबाइन करके जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो देखेंगे कि इसके अंडर में सारे के सारे चैप्टर्स आ जाते हैं और इसे बहुत ही ईजी तरीके से हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसमें सपोज कि कोई भी ऐसा रूल या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसे, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने अलग अलग जिस तरीके से जिस पैटर्न में पूछा जाता है उस पैटर्न में आपको उसमें लिखा है, क्वेश्चन दिया है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ पर टैग करें, लिखें कि इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन फिर से अगले लेक्चर में दे दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है इस चैप्टर में कि इस टाइप के मैथ में दिक्कत आ रहा है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में या फिर स्पेशल उसका वीडियो डाल करके और मैं आपके उस प्रॉब्लम को दूर करूँगी, ठीक है?
ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आप देखते रहो, अगर पसंद आए तो लाइक करो, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करो, और डिसलाइक करो तो एटलीस्ट एक बार रीज़न ज़रूर बता दिया करो कि क्यों पसंद नहीं आया, जिससे कि मैं सुधार कर सकूं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कीप ऑन वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर शेयर तभी करना जब आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है, जब आपको लगता है कि ये हेल्पफुल नहीं है तो बिल्कुल भी शेयर मत करना। चलो फ्रेंड्स, फिर जय हिंद जय भारत।